हेलो गाइस, मैं हूँ पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बंगाल के फेमस मिष्टी दोई की रेसिपी। ये एक कैरामलाइज कर्ड की रेसिपी है जो कि बहुत ही यम लगती है खाने में और रेसिपी भी बहुत ही सिंपल है। इसे आप घर पर आसानी से बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए झटपट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस कर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले हम हंग कर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक बर्तन रखेंगे, उस पर छलनी रखेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा कप फ्रेश कर्ड। ये बिल्कुल खट्टी कर्ड नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश जमी हुई दही है। तो आप फ्रेश दही का इस्तेमाल करें और इसमें हम इसे अब रख कर छोड़ देंगे जब तक कि हम सारा प्रोसेस करते हैं, जिससे एक्सेस वाटर सारा नीचे ड्रिप हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है 800 मिलीलीटर दूध। इसे हम उबालकर थोड़ा सा कढ़ा लेंगे। तो इसे हम दूसरे गैस पर शिफ्ट कर देते हैं जब तक कि दूध होता है, हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, उस पर मैंने हाफ कप शुगर इस तरीके से स्प्रेड कर दी है और इसे हम धीमी आँच पर पकने देंगे जब तक ये थोड़ी सी मेल्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे इस तरीके से चलाते हुए मेल्ट करेंगे। जब तक कि ये मेल्ट ना हो, उससे पहले हमें इसे टच नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से चीनी की गुठलियाँ बन गई हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पिघलेगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप इसे धीमी आँच पर पकाते रहें चलाते हुए, ये बहुत ही ईजिली पककर तैयार हो जाएगी। तो आप ये देखिए, ये पकनी शुरू हो चुकी है। अभी भी इसमें शुगर ग्रैनुल्स हैं और ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे और नहीं पकाना है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और यहाँ पे हमारा दूध भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, रिड्यूस होकर। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारी वो कैरामलाइज शुगर जो हमने बनाकर रखी हुई है। तो इस वक्त मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत सावधानी से ये काम करें, क्योंकि जब हम इसमें ये दूध में पोर करते हैं तो आप देख सकते हैं दूध में उफान आता है, तो जिससे आपके जलने की संभावना है। तो आप बहुत ही ध्यान से ये काम कीजिएगा। तो इस वक्त हम सारा उसमें कैरामलाइज शुगर डाल देंगे और इसे लगातार हम चलाते हुए पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, या जब तक कि ये शुगर अच्छे से इसमें डिजॉल्व ना हो जाए। तो अब यहाँ पे हाफ कप शुगर हम ऊपर से और डालेंगे और उसे भी अच्छे से डिजॉल्व होने देंगे। और आपको अगर लग रहा होगा कि ये गुठलियाँ जो हमने कैरामलाइज शुगर की डाली हैं कि वो नहीं पिघली हैं, तो वो अच्छे से पिघल जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आप उसे 1 से 2 मिनट इसी तरीके से चलाते हुए हम दूध पकाएंगे तो वो अपने आप पिघल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा दूध भी अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 मिनट इसे और पकाया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे। अगर इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसमें ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें मलाई वगैरह कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे एक बार इसे ब्लेंडर से चला लें। हमारे घर पे थोड़ी सी मलाई पसंद करते हैं दही में, तो मैं यहाँ पे ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सेस वाटर था वो दही से ड्रिप हो चुका है। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं आटा लगाने में या किसी सब्जी में। तो यहाँ पर हम दही छलनी से एक बोल में डालकर अच्छे से उसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस दही में अब हम थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो पकाया हुआ दूध है, कैरामलाइज्ड मिल्क है, वो हम इसमें डालेंगे। तो एक बार में आप सारा दूध ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और उसे अच्छे से मिक्स करते रहें। ऐसा करने से दही अच्छे से दूध में मिक्स हो जाएगा और इस प्रोसेस को करते वक्त आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप दूध डाल रहे हैं, दही जमने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। दही बहुत ही गाढ़ी होती जाएगी, दूध बहुत गाढ़ा होता जाएगा, आपको लगेगा कि ये जमना शुरू हो चुका है। और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि इसमें हमें बिल्कुल ठंडा दूध नहीं डालना है, दूध हमें गुनगुना ही रखना है, या इवन गुनगुना से ज़्यादा तेज़ दूध रखेंगे तो और भी अच्छी दही जमेगी। तो यहाँ पर मैंने सारा दूध डाल दिया है इसमें और दूध अभी गर्म है, इतना गर्म है कि मैं इसे टच कर पा रही हूँ। तो अब हम इसे डालेंगे हमारे इस प्यारे से मटके में। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप मिट्टी का बर्तन लेंगे तो उसमें ये दही बहुत अच्छी इससे सेट होगी। और यहाँ पे मेरे पास मिट्टी का बर्तन नहीं था तो मैं इस तरीके के एक फैंसी बॉल में ये दही आज सेट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये दूध इसमें डाल दिया है और अब हम इसे ढक कर रखेंगे ओवरनाइट। तो यहाँ पे मैं इसे एक कपड़े से भी ढक दूंगी ताकि अच्छे से इसे गर्माहट मिलती रहे। तो मैं अब आपको सुबह दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे ये देखिए, ये अगले दिन सुबह ये दही अच्छे से जमकर तैयार हो चुकी है। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए, जिससे ये और अच्छे से सेट हो चुकी है। अगर इसका आपको पूरा मज़ा उठाना है तो आप इसे फ्रिज में रख कर ठंडा कर दें, फिर इसे इंजॉय करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये कितनी परफेक्ट जमी है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू कंसिडर टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।